एवरीवन, आप सभी को करंट अकेडमी में स्वागत है। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो खास है, चाहे आप सीबीएसई से है चाहे आप आईसीएसई है, क्योंकि दोनों का ही आप लोगों का एग्जाम डेट आ गया है और डेट शीट आ चुका है। अब आप लोग प्रिपेयर हो चुके हो, स्कूल से भी शायद आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस और अपनी तरफ से भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों का समय है सिंपल पेपर सॉल्व करने की रिवीजन के टाइम, और कैसे सिंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए, आप सिंपल पेपर सॉल्व करते टाइम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को अगर आप दूर करते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो सिंपल पेपर करते टाइम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से स्कोर नहीं हो पाता और उसका इफेक्टिव नहीं होता है। उसको किस तरह से इफेक्टिव में लाना है आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो का अंत तक बने रहना। आप किसी भी पब्लिशर का आप सिंपल पेपर लीजिए, ये मायने नहीं रखता है कि आपको कौन सा सिंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए, उससे आपको स्कोर मिल जाएगा या वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये नहीं मायने रखता है। आप कोई भी सिंपल पेपर उठा लीजिए, किसी भी पब्लिशर को उठा लीजिए और उसको आपको सॉल्व करना है। ये आप में गलती होता है, बुक्स में सैम्पल पेपर में गलती नहीं, तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करते हो ये मायने रखता है। अगर आप उसका अच्छे तरीका पता चल जाएगा तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो किसी भी पब्लिशर के बुक से। सुनिए, पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए आप फिजिक्स के सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और 2 घंटे के पेपर है, तो पहला काम आपको ध्यान में रखना है सैम्पल पेपर सॉल्व करते टाइम कि आप अपने स्टडी रूम में चले जाएं, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ना आपके कोई फ्रेंड्स का, ना आपको फैमिली का, ना आप मोबाइल से, और मोबाइल से तो एकदम दूर रहना है जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। पहला काम करना है कि स्टडी रूम में आप चले जाएं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और 2 घंटे का हो तो 2 घंटे एकदम एग्जाम की तरह बिहेव करना है। आप सोच रहे हो कि यही मेरा रियल एग्जाम है, यही मेरा लास्ट एग्जाम है जो आप दे रहे हो, अभी सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसको एग्जाम की तरह बिहेव करना है। जैसे मान लीजिए कि 2 घंटे का पेपर है तो एक टाइम स्टार्ट कर लीजिए कि 2 घंटा जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो पेपर लिखना, उस टाइम से जैसे ही आपका 2 घंटा हो जाता है उसको आप स्टॉप कर लीजिए। चाहे आप पूरा किए हो या नहीं कर पाए हो, वो आपको ये नहीं है, टाइम पे डिपेंड कर, डिसिप्लिन अपनाना है कि 2 घंटे का टाइम आपने सॉल्व करने का लिए हो, 2 घंटे का टाइम है, उसी टाइम आपको ऑफ कर दो लिखना है। जितना किए हो उसी को आप आगे रेगुलेट करो कि कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, एक पहला तो काम। दूसरा काम क्या करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, उसको सुधारना है कि जैसे मान लीजिए सिंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं आप फिजिक्स के, तो उसमें से आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हो सकता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, मतलब मॉडरेट लेवल का, जिसको आप उसको भी कर पाते हो, और कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे कि जैसे आप सिंपल पेपर सॉल्व करते टाइम एक नंबर में क्वेश्चंस मिल गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको बोलेगा स्टेट द ओम्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो आप क्या करते हैं, अरे ये तो हम जानते हैं, इसको फिर हम नहीं करते हैं। जो आप नहीं जानते हो, मतलब अच्छे तरह से नहीं जानते हो, उसको लिखते हो या फिर आपको सॉल्व करते हो, जिस तरह से आप चाहे पढ़ के कर रहे हो या फिर लिख के कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे आप अगर जानते हैं फिर भी उसको कॉपी में उतारना है, एक नंबर में है तो एक नंबर में जो भी आंसर होगा उसको लिखना है, 2 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में ही लिखना है उस आंसर को, ठीक है, और लिखना है, ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि आप जैसे सिंपल पेपर निकाले हो और पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करो, हाँ ये अगला क्वेश्चन से ये इसका आंसर ये हो जाएगा ये आंसर, ये तो कतई नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप का जो सिंपल पेपर सॉल्व करने का जो आपका मोटो है, आप सिंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो जिस वजह से, वो आपको सुधार नहीं पाएगा, ये तो एकदम नहीं करना है। तो आपको सीक्वेंस वाइज जो भी क्वेश्चंस नंबर आप कर पा रहे हो, जो नहीं कर पा रहे हो उसको छोड़ देना है, जो कर पा रहे हो जो जानते हो उसको भी लिखना है, ये दूसरा तरीका अपनाना है आपको सॉल्व करते टाइम। तीसरा सॉल्व करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि आप पढ़ पढ़ के सॉल्व ना करें, ये एकदम कतई नहीं करना है। पढ़ पढ़ के अगर सॉल्व करते हैं तो आपका कोई इफेक्टिव नहीं होगा और कोई ये भी नहीं रहेगा आपको सिंपल पेपर सॉल्व करने का, तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, है ना, कॉपी में जैसा लिख करते हैं एग्जाम में, आप सोच लीजिए एग्जाम की तरह बिहेव करके कॉपी में लिखिए। लिखने से क्या होता है कि
एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप कॉपी में कितना उतार पाए हो, आपको ये नहीं जानता है कि आपको आपका नाम से आइडेंटिफाई थोड़ी कर पाएगा कि स्टूडेंट ना स्कूल में बहुत अच्छा था तो ये लिख लिया है, ऐसे लिख लिया तो ये जानता है तो हम इसको नंबर दे देंगे, ये आपका क्लास टीचर हो सकता है। लेकिन एक जो एग्जामिनर आपको कॉपी को चेक करेगा वो आपको क्या करेगा, एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा और आपका कितना नॉलेज है ये मायने नहीं रखता। अगर पढ़ पढ़ के करोगे तो आप बस अंदर का ही नॉलेज रख पाओगे और लिख लिख कर करोगे तो क्या होगा कि आप जो नॉलेज है उस कॉपी में उतार पाओगे। और एग्जामिनर चाहता है कि आपने कॉपी में कितना दिए हो, उस कॉपी को चेक करके आपको नंबर दिया जाएगा, आपको देख के आपका नाम से आइडेंटिफाई करके नंबर नहीं दिया जाता। तो आपने अंदर मान लीजिए आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत समय ऐसा होता है कि आप जानते हो लेकिन उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो ये कब होगा, ये जब आप लिख लिख कर करेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। तो लिखने से क्या होगा कि आपका जो वे ऑफ राइटिंग है, एक आंसर लिखने का जो तरीका है, वो धीरे 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 सुधर जाएगा। और जो आप लिखते 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 जो प्रैक्टिस कर लेंगे, ये एक दिन का काम नहीं है, धीरे 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 होगा। तो हमेशा लिख लिख कर करिए। दूसरा बात इसमें और एक फ़ायदा होता है कि अगर आप लिख लिख के करते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। तो अभी अगर मान लीजिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको फरवरी में एग्ज़ाम है तो आपको याद रहता है, ये ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंटल है कि आप अगर आप लिख लिख के याद करते हैं या किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो लंबे समय तक याद रखता है, आपका जहन में रहता है। तो दो फायदा हो जाता है लिख लिख के होने से। और एक आंसर लिखना सबकी मन ये की बात नहीं है, आंसर लिखना भी एक कला है, तो लिखना को भी आपको अच्छे तरह से सीखना पड़ेगा। आप पढ़ के नॉलेज जानते हैं, उस मैटर के बारे जानते हैं, उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, फिर आप उसको लिख नहीं पा रहे हैं तो ये आपको सबसे बड़ा बिग मिस्टेक्स है जिससे आपको नंबर नहीं आता है और आपको सिंपल पेपर सॉल्व करके भी कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। अब तीसरा क्या करना है कि अब जो भी आपने लिखा उसके बाद आपको अगर सॉल्यूशन गिवेन है सिंपल पेपर में तो उसको मैच कराइए और देखिए कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं। जिस टॉपिक से गलती किए हैं उस टॉपिक में इसका मतलब है आप कमज़ोर हैं या उस टॉपिक को आप अच्छी तरह से जानते नहीं या आपका क्लियर नहीं हो टॉपिक। आप उस टॉपिक को जाके आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपको ओम्स लॉ के बारे में आपको सॉल्व करना है, उसमें आपको दो न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करना है उस में जाके पहले देखिए कि न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है, किस तरह से अप्लाई किया जाएगा न्यूमेरिकल, तो आप पहले उसको करना है। और ऐसा अगर मान लीजिए ओम्स रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आ जाता है कभी आपका अगला सिंपल पेपर सॉल्व करते टाइम, अगर ओम्स रिलेटेड और आपको न्यूमेरिकल आ जाता है तो वहाँ पर आपको बनना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि सिंपल पेपर सॉल्व करते 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 जो भी वीक पॉइंट आपका रह गया है वो वीक पॉइंट आपको पता चल जाए कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है। आप कैसे पता कर पाओ मेरा वीक पॉइंट है जब आप उसको अटेम्प्ट नहीं लोगे, तो देख लिया कि हमने ओम्स लॉ में मेरा वीक है तो उसको सुधार कर लिया है, तो अगला सिंपल पेपर सॉल्व करते टाइम उस टॉपिक से दिक्कत ना हो। ऐसे मान लीजिए और कुछ टॉपिक में आपको दिक्कत है तो वो टॉपिक भी धीरे 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 आप उसको भी वैसे करेंगे, फिर उसको जगह पढ़िए, फिर ऐसा समय आएगा आप सिंपल पेपर सॉल्व करते करते कि आपका सारा टॉपिक जो भी आपका वीक था या आप नहीं जानते थे, जो आपको डाउट था वो क्लियर हो गया और जो जानते थे तो अच्छा है। तो ये अच्छे तरीके हैं आपको सिंपल पेपर सॉल्व करने के। पहली तो ये है आप चले जाएँ अपने स्टडी रूम पर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, टाइम सेट कर लीजिए। दूसरा है कि आप पढ़ पढ़ कर ना करें, लिख लिख कर करें, ठीक है। और जो भी उसमें रह गया है दिक्कत, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक को फिर से लिखिए और उसको पढ़िए और उस टॉपिक को लाके अगला मिनट दिक्कत ना हो, इस तरह से आप सिंपल पर सॉल्व करें, आपका एक दिन बहुत अच्छा होगा प्रिपरेशन और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अभी समय है, अभी आपको रिविज़न का टाइम है, रिविज़न करिए और सैम्पल पेपर लगाइए, रिविज़न करिए और सैम्पल पेपर करिए, बहुत अच्छा होगा। यही टाइम है आपको नंबर दिलाएगा, इतना दिन जो आपने पढ़ा वो तो सीखा, और अभी जो टाइम है आपका ये टाइम आपको दिलाता है कितना स्कोर कर पाएंगे। ये आपको डिस्टर्बेंस नहीं रखना, एकदम डिस्ट्रैक्शन नहीं होना इस टाइम पे, और हाई मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेट अगर नहीं रहोगे तो फिर कर नहीं पाओगे। आप सोचो कि ये जो भी टू मंथ्स बचे हुए हैं इसको हम बहुत अच्छे तरह से यूटिलाइज करेंगे और इस समय अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, सबको ऐसे ही तरीके हैं पढ़ने का और करने का।